गुड मॉर्निंग आप सबको। तो यहाँ पर चाय बन चुकी है और यहाँ पर देखिए रोटी मैंने तली है घी में, देसी घी में रोटी फ्राई की है और एक रोटी फिर से यहाँ पर फ्राई हो रही है। ये रात की रोटी है जिसको मैंने घी में गर्म किया है और इसको खाएंगे अभी चाय के साथ। तो ये वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है दिखने में क्योंकि ज़्यादा थोड़ी जली नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा सिकी हुई थी। तो चाय के साथ इसको सर्व करते हैं आलिया को। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ा देर में आप लोगों से, तब तक के लिए आलिया को दे देती हूँ चाय। इतनी ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर मेरे पौधों का हाल देखिए क्या हो चुका है। ये तो हमेशा बोलती हूँ मैं, चूहों ने खा लिए, चूहों ने ख़राब कर दिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से आप लोगों को सही से नज़ारा दिखेगा। वहाँ पर एक झाड़ था जिसमें बहुत ही अच्छे फूल आते थे रेड रेड कलर के, बट वो सब अभी सूख चुके हैं। यहाँ पर कुछ तो यहाँ से कपड़े भी हटा लेते हैं रस्सी पर से क्योंकि अरे बाप रे, वहाँ पर देखिए पैर पोछने के पायदान मैंने धो करके रखे थे वो सारे भीग चुके हैं वहाँ पर, तो सबको भी जाकर हटा देती हूँ। वो जो वहाँ पर देखिए कितना घान पड़ी हुई है, वो जो मटका है उसमें मैं अभी सीमेंट लगाने वाली हूँ थोड़ा देर में। सबसे पहले उसमें सीमेंट लगाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, दिखाती हूँ बाद में आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी आलिया आलिया हाँ दोनों सलाम कर रहे हैं। तो अभी ये लोग जा रहे हैं ट्यूशन, है ना बेटा? तो अभी ये लोग हो चुके हैं रेडी, ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं है, चौथे माले पर ही है, तो जा रहे हैं लोग ट्यूशन। चलो बेटा जाओ फिर, अल्लाह हाफिज़। आई लव यू टू बेटा, बाय, अल्लाह हाफिज़, आराम से जाना ठीक है, बाय। अलीना पापा यहाँ पर है जो कि ट्यूशन नहीं जाते हैं। क्या खाए तुमने, तुमने क्या खाए? हाजमोला। हाजमोला क्या खाए? हाजमोला। क्या बोलते इसको? हाजमोला। नहीं नहीं पहले जैसा बोले वैसा बोलो। हाजमोला। हाँ हाजमोला। हाजमोला बोलो। तेज लगा, लगा तेज, तेज लगा। सब तो अभी देखिए मॉर्निंग हो गई है। कल रात को मैंने शूट किया था रिंग लाइट का वीडियो, तो उसी का दुपट्टा है और मैंने पहनी हूँ मैक्सी। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं क्योंकि रात में शूट किया था मैंने वो वीडियो, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है उसको रात में ही शूट करना होता है, फिर अगर मैं दिन में करती तो आप लोगों को सही से नज़र नहीं आता। एक सेकेंड मैं यहाँ की लाइट लगा लेती हूँ, क्या हो रहा है ना कि आप लोगों को सही से नज़र नहीं आ रहा है। मैं पहले हॉल में जाती हूँ और यहाँ पर खिचड़ी भी मेरी बन रही है, खिचड़ी बना रही हूँ, बच्चे लोग को लगी भूख। एक्चुअली रात में ये लोग भूखे ही सोए थे, खाना नहीं खाए थे, तो अभी लोग बैठे दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बल्ब है, देखिए हवा से दरवाज़ा खुल गया, मुझे लगा पता नहीं कौन खोल दिया। तो ये जो बल्ब है इसको लगा देती हूँ यहाँ पर किचन में, यहाँ पर। ओह ओह नो, बटन चालू था, सोए दिल ऐसे दहल गया, बल्ब छूट जाता था हाथ से मेरे, मतलब डरने की कोई बात नहीं है बट अचानक से चालू हो गया तो डर गई मैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लगा देती हूँ, पर ऐसा करना भी नहीं चाहिए, शॉर्ट हो जाता है बल्ब। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं बल्ब, तो ये लग चुका है, अभी कर देती हूँ चालू, ठीक है? तो ये देखिए कर दिया मैंने बल्ब तो चालू। तो अब देखिए कितना फ़र्क पड़ गया पहले में और अभी में, पहले थोड़ी काली लग रही थी, अब थोड़ी सी गोरी लग रही हूँ। एक्चुअली मैं गोरी हूँ, काली नहीं उतरी, काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी, बट दिखना अच्छा चाहिए, क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, है ना? सही हुआ ना मैंने? तो क्लैरिटी के लिए मैं बल्ब यूज़ करती हूँ, मुझे हंसी आ रही है, बाहर बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत हवा चुकी है। अब रिंग लाइट का वीडियो तो आ जाएगा, इसके बाद ये वाला ब्लॉग कल आप लोगों को मिलेगा। क्या बेटा? क्या खिलौना है इसमें? फंस गया। अच्छा रुक जाओ मैं निकालती हूँ, टेडी बेयर में फंस गया खिलौना। तो अभी यहाँ पर इन लोग को बना रही हूँ मैं खिचड़ी। तो चलिए कांदा लाल हो चुका है, ये देखिए क्या हुआ कि रात में ये लोग भूखे सोए थे तो बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है अभी फिलहाल। तो बना रही हूँ मैं खिचड़ी, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को कई बार दी है, एक बार इससे पहले वाली वीडियो में भी है, इसलिए आज नहीं बताऊंगी। और इनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो ये गए हैं नीचे अंडा लाने के लिए, बोले कि अंडा ब्रेड लेकर आता हूँ। इनको कुछ है नहीं एक्चुअली, मैं अभी तो सब खत्म हो गया घर में, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर ले, और पोहा उतना ये सब खाएंगे नहीं, बोलते कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे पसंद नहीं है। अंडा ब्रेड इनको काफ़ी पसंद है ज़्यादा, तो मैंने कहा जाकर लेकर आओ अंडा ब्रेड,
फिर मैं आपको देती हूँ, फिर फ्राई करके थोड़ा सा बच्चों को भी, आपको भी। और खिचड़ी बना, खिचड़ी मैं इसीलिए बना रही थी बच्चों के लिए, बट अब वो अंडा ब्रेड लाने गए हैं। तो चलिए, बात बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा जो कांदा है वो ज़्यादा लाल हो रहा है, तो इतना ही करना था इसको ब्राउन, इसलिए मैंने सोचा कि तब तक बात कर लेती हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ा देर में, तब तक इसको बना लेती हूँ खिचड़ी को, ओके। तो ये देखो अभी बनाई हुई ये लोग की फेवरेट खिचड़ी। तो ये एक बोल रही है बिरयानी है, ये बोल रही है कि अलीना ना क्या करती है पता है, बिरयानी को खिचड़ी बोलती और खिचड़ी को बिरयानी। हाँ, तो खिचड़ी को बिरयानी, बिरयानी को खिचड़ी बोलती है। तो सना बोल रही है कि मम्मा तुमने बिरयानी बनाई मगर तुम अलीना के लिए झूठ बोल रहे। तो मैंने बोली कि नहीं, मैं तो खिचड़ी बनाई। तो ये देखिए खिचड़ी में बघार लगा दिया है मैंने, चावल भी इसके अंदर धो के डाल दिए हैं, अभी सिर्फ इसका पकने का इंतजार है। तो सना को भी भूख लगी है, अभी पता नहीं ये कब से गए हैं, अभी तक आए नहीं है। और आलिया, आलिया तो यहाँ पर देखिए कैसे बैठी है। आलिया सलाम करो बेटा। हाँ, तो सना बोल रही है अभी मैं नहीं खाऊंगी खिचड़ी, ये सना बहुत बदमाश है, सना बहुत ज्यादा बदमाश है। सना तुझे लाल मिर्ची वाली पसंद है ना खिचड़ी, तो मैं सबको मार दूंगी। ये कैसे झोपड़ा लेके घूम रही है, मतलब चिड़िया का घोंसला। तो अभी बनाऊंगी इसके बाल, ये अभी उठी है ना नींद में से ब्रश व्रश की, तो अभी इसके बाल बनाऊंगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगी ये, कपड़े चेंज करेंगी, फिर बाद में 4 बजे ट्यूशन जाएंगी। अभी मेरी सना आ रही ट्यूशन जा रहे हैं, बस ये बहुत पढ़ाई चोर है, वो बोलते ना काम चोर, ये पढ़ाई चोर है, पढ़ाई चोर। मम्मा कल क्या हुआ था बोलू? बोलो। कल ना अब अलीना ने बोली कि मैं भी ट्यूशन जाऊंगी, और बस 3 सीढ़ी नीचे उतरी और अपन तो पूरा ट्यूशन चले गए, अलीना 3 सीढ़ी नीचे उतरी और ऊपर भाग गई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, यही सी करती वही तो का गई, का गई, हमको लगा कि ये पढ़ाई चोर है। मैंने बोली ना ये पढ़ाई चोर है लड़की, ये लड़की पढ़ाई चोर है, ये पढ़ती नहीं है। तो चलो सना के पहले बाल बना लेती हूँ, वरना ये सना का जो झोपड़ा है ऐसे ही नजर आता रहेगा आप लोगों को। बेटा वो लेगा स्टूल, लेगा स्टूल पे रखती हूँ ट्राईपॉड, ठीक है? तो स्टूल पे रखेंगे अभी हम ट्राईपॉड, फिर बनाएंगे बनाएंगे सना के बाल। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, है ना इस तरह से। तो अब दिख रहा है सही से सना, देखो कैसे दिख रही है एकदम। सना बैठ जाए, कमा लेगा बेटा वहाँ से। तो जो पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा ट्राईपॉड जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, वो जो उधर वाला है वो डिजिट सॉरी सिंपेक्स का है, और एक छोटा वाला। हाँ, तो बैठ जाए, चलो बड़ी लाइट वाला और एक छोटी वाला। हाँ, तो चलो सना थोड़ा तेल लगाओ बाल में, तेल लगाओ। हाँ। ये है। बिना तेल लगाए के बाल अच्छे लगते हैं सना के, तेल लगाना चाहिए, तेल लगाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। तो इसको थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ, वहाँ पर है बॉटल कांच के ऊपर। अरे रहने दो बेटा, पता नहीं ये इसके अंदर कब से फंसा पड़ा है और ये लोग परेशान कर दिए निकालने के लिए। निकाल तो के निकाल के चल रहे हो। क्या हुआ? तो ये परवेश भाई आए, पता नहीं क्या चाहिए, मुंह में ब्रश लेके हूँ ऐसा कर रहे, बस क्या समझ में आएगा ऐसा करने के बाद। अरे मुंह से बोलो ना, छन्नी चाहिए, छन्नी मांगता पोहे की। बाटला दो, बाटला बाटला खाली। हाँ, तो ऐसा बोलो ना, खाली बाटला चाहिए, तो ऐसा कर रहे, देखे ना ऐसा कर रहे, ऐसा अब ऐसा छन्नी होती बाटला थोड़ी ना होता। ये कैसे ब्रश कर रहे, इनकी तो अभी मॉर्निंग हो रही है, 12:30 बजे मॉर्निंग हो रही है इनकी। शर्म करो, थोड़ा शर्म करो। और ये आ गए, ये क्या बने, नाश्ता लेकर आ गए अभी, इनको लगी बहुत ज़्यादा भूख। खिचड़ी तो बन रही, पर खिचड़ी खाएंगे नहीं, खिचड़ी बहुत नफरत है। सना तू दिख नहीं रही है। हाँ, आप दिख रही है ना, आप दिख रही है क्या? बाटला पीछे गैलरी में, रुको रुको रुको, ये निकालेंगे, रुको अबे रुको, ब्रश कर। दोनों मिलके निकाल रहे हैं बाटला, यही तो था सामने। हाँ, उधर ही है। तो बाटला निकल रहा है गैलरी में से, बाटला निकल चुका है, और ये परेश भाई भी निकल चुके हैं। ओ बाय तो बोलो, पर वो बाय का। तो ये जा रहे अभी बाटला लेके, बाटला आया है लगता नीचे। अरे सना कब से बाल बना रही हूँ मैं, सना के बाल ही बनाना नहीं हो रहा, तो फटाफट बाल, चलो बाल बना लेती हूँ। इसके अंदर कब से फंसा पड़ा है? फंसा पड़ा नहीं, इसके अंदर लेता हूँ। अच्छा, ये मम्मी बच्चे लोग कब से बोल रहे हैं इसमें 3 खिलौना था, हम लोग ने निकाले 3 खिलौना। वही मैं सोच रही हूँ, इसके अंदर कहीं से कोई चैन वैन कुछ भी नहीं लगा है अंदर जाने के लिए, तो ये शायद इसके अंदर जो बस्ता है लगाना वो उसका है ना, है ना? देखिए ये बच्चे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्या तो अभी ये है बिता, मतलब ये कॉर्न बेवकूफ बना रही है, जल्दी भी आ रहा। तो ये कॉर्न को अभी हम लोग बॉईल करेंगे, दो बॉईल करेंगे और दो भुनेंगे,
सना तो फटाफट बाल बना दिया के नहीं बेटे रहने दो उसको अंदर, क्या करने का? अरे खराब हो गया ना वो अभी, तो क्या करने का, निकाल के दो। तो ये मेरे दरवाजे के बाहर का है, बाटले वाला दिखा, दिखा बाटले वाला। आज मैंने लगा के रखी ट्राइपॉड, आज मैं सोची आज तो लगा के रखूंगी ट्राइपॉड, खिचड़ी तो बन रही है। क्या हुआ सना, बक्कल किधर है? तो अभी सना का झुटकू कब से, 5-6 मिनट हो गए सना के बाल बनाते बनाते, अभी आलिया के भी बाल बनाना। आ जा आलिया, आ जा आलिया बैठ। आई ना पापा तुम्हारे बाल नहीं बनाने का, बैठो। थोड़ा चावल में हिला दो ना चम्मच। चम्मच हिलाने का काम तेरा है, मेरा नहीं। क्या बोल रहे, चम्मच हिलाने का काम मेरा है, मेरा है, तेरा है, तेरा, मेरा नहीं। तो वही तो सही बोले ना, चम्मच हिलाने का काम तेरा है, मेरा नहीं। सही तो बोले, सही बोले ना, चम्मच हिलाने का काम तेरा है, मेरा नहीं। सही बोले ना। और एसी बनाने का, फ्रिज बनाने का काम तुम्हारा है, हमारा नहीं। तो पापा ने कब बोले अपना है? पापा ने, पापा ने तो वो बात बोले नहीं ना। पापा को बहुत जोर की लगी है वो। चलो फटाफट आलिया के बाल बनाती हूँ, फिर पापा को देती हूँ अंडा ब्रेड फ्राई करके, मिलती हूँ थोड़ा देर। तो अभी अभी कर रही हूँ मैं अंडा फ्राई, ठीक है? तो अंडा ब्रेड फ्राई कर रही हूँ, तो इसके लिए अंडा ब्रेड। तो सना ने सना कैमरा पकड़ के खड़ी है, तो यहाँ पर 3 अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं। 3 अंडे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, तवा जो है गर्म हो चुका है, इस पे ऑयल डाल दिया मैंने। ये मसाला है, नमक नहीं है। सही बोली सर, पता नहीं मेरा दिमाग पागल हो रहा है, पता नहीं मैं कुछ बोलने का कुछ और ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मसाले की मिर्च ऐड कर दी मैंने, बोलो बच्चे सिखा रहे मुझे। तो अभी इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक ज्यादा धड़पड़ धड़पड़ करती हूँ मैं, तो पता है भाभी ने क्या बोले, सबके जो कांटेक्ट में उनके नाम है, बोले भाभी ने बोले कि मैं इसे अब सेव कर रही हूँ। आशीर्वाद भाभी ने तो बोले तुम्हारा नाम क्या सेव करूँ, तो मैं बोली मोटो सेव कर दो जो तुमको अच्छा लग रहा है। बोले एक काम करती हूँ आफरीन भाभी, धड़पड़ी करके सेव कर कर लेती हूँ। तो सच्ची में धड़पड़ी बहुत करती हूँ, गड़बड़ी भी बहुत करती हूँ मैं, धड़पड़ी गड़बड़ी। हाँ तो अभी इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, ठीक है? मेरे पास फेंटने वाला भी है, पर मैं इसको चाकू से ही करूँगी। दिख रहा है? अंडा नहीं दिख रहा। तो सना को ट्राइपॉड लगा के दी मैंने बराबर, सना को पकड़ने नहीं आ रहा था। तो अभी डालूंगी इसमें अंडा, ब्राउन दिख रहा है अंडा। गैस का फ्लेम लो कर देंगे, लो। अंडे को चारों तरफ से फैला लेंगे। मम्मा अंडे को देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सना बोल रही है अंडे को देख के सना के मुंह में पानी आ रहा है, तो अब क्या किया जाए? हो रहा है बेटे, हो रहा है। तो अब इसको पलट लेंगे और कुछ भी नहीं करना है, बस ब्रेड को थोड़ा हल्का सा गर्म कर लेना है। और यहाँ पर साइड में खिचड़ी का दम हो रहा है इस वाले गैस पर से, उस वाले गैस पर मैंने शिफ्ट कर दिया खिचड़ी को। तो उसको मैं सबसे पहले इसको हटा लेती हूँ, एक प्लेट ले लेती हूँ। अंडा फ्राई हो चुका है, अंडे को निकालूंगी। जैसे ही एक अंडा फ्राई होगा उसके बाद ब्रेड को थोड़ा सा गर्म कर लूंगी, उस वाले अंडे के बाद, जिस अंडे के बाद मैंने अंडा फ्राई किया उसके बाद ब्रेड को गर्म कर लूंगी। खिचड़ी खिचड़ी जो है दम हो रही है, यहाँ पर अंडा हो चुका है एक पक्के, अभी और फ्राई करूंगी। यहाँ बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं, बहुत सारे अंडे, बहुत सारे। तो यहाँ पर ये ब्रेड गर्म हो रहा है। बोलो बोलो किसने लाया अंडा ब्रेड? अंडा ब्रेड पप्पा ने लाए। तो ये सना देखो कैसे टूल पे खड़ी है, टूल पे खड़े होके बिचारी मेरे बच्चा कैमरा पकड़ता। तो ये कैमरा पकड़ रही थी टूल पे खड़े होके। तो ब्रेड गरम हो रहा है अच्छी तरह से, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, अभी और 5-10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट तो लगेंगे इसको दम होने में।
तो ये अंडा है यहाँ पर, अभी इसको फ्राई करूँगी ये होने के बाद, फिर बाकी और दो तीन अंडे फ्राई करूँगी, नाश्ता हो जाएगा, उसके बाद खिचड़ी खा लेंगे दोपहर में, फिर देखते हैं और कुछ बनाऊँगी, रेसिपी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ा देर में मिलती हूँ, नाश्ता वास्ता हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, तो देखा आप लोगों ने मैंने आज का डेली रूटीन, कैसे मैंने खीर भी बनाई। तो स्टेप बाय स्टेप आप ऐसे ही बनाइए खीर, क्योंकि खीर में मैंने रवे में खीर बनाई थी, चावल से मैंने खीर नहीं बनाई, चावल जो भिगो कर पीसते हैं फिर खीर बनाते हैं, तो मैंने ऐसा खीर नहीं बनाई हूँ, मैंने डायरेक्टली मतलब रवे की खीर बनाई हूँ। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करा सकते हैं। थोड़ा सा कैमरे को साफ कर लेती हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि कैमरे पर थोड़ा सा धुंधला सा आ गया था। ठीक है, आप ठीक लग रहा है, आप ठीक दिख रहा है मुझे, आप लग रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।